पंजाब दे अंदर खालिस्तान का प्रोमो चल रहा है, दसिया जा रहा सानू कि खालिस्तान के कानून की होणगे, खालिस्तान च हिंदुओं की स्थिति की होगी। ये सानू दर्शाया जा रहा है कि या तो तुम भजो या फिर थोनू इदा ही रहना पेगा। रोज थोड़े तो बंबा नाल हमले होणगे, रोज थोड़े तो कृपाना बजनगिया, रोज थोनू टारगेट किया जाऊगा, रोज थोड़िया फैमलिया टारगेट किया जाऊगा। यह सानू दसिया जा रहा है इस नाल पंजाब च रहणियां हिंदू पंजाब च रवे ही ना हिंदुआं नू टारगेट कि हिंदू पंजाब च रह करे आ शिवसेना वाले पंजाब लुधियाने च रह करे ने इन्हां नू ओह चीज़ चुभन लग गई कि हर शिव सैनिक दा घर टारगेट बनाना शुरू करता इन्हां ने। जिहड़ी खालिस्तान मूवमेंट पंजाब च चल रही है उन्हां नू इस सरकार दे विच बढ़ोतरी मिली आ, उन्हां दी इस सरकार दे विच हौसला अफजाई हुई आ। निहंगवाद पूरी तरह हैवी हो चुका है, जिदा तालिबान अफगानिस्तान दे अंदर चलदा सी अज पंजाब दे अंदर निहंगवाद चल रहा है। पंजाब दे लुधियाने दे विच इक हिंदू नेता दे घर दे उत्ते दो अणपछाते लोकां दे वल्लों पेट्रोल बंब दे नाल हमला कर देण दा मामला सामने आया। हमले दे विच हिंदू नेता दी कार जिहड़ी कि ए स्टार है उसनूं नुकसान पहुंचिया। इस घटना तों बाद इलाके दे विच दहशत दा माहौल बनिया होया। फिलहाल थाना हैबोवाल अते चौंकी जगतपुरी ने मामले दी जांच शुरू कर दित्ती है। पुलिस इलाके दे विच लगे सीसीटीवी कैमरियां नूं खंगाल रही है। जानकारी दिंदे होए शिवसेना भारत वंशी दे मुखी योगेश बख्शी ने दस्सिया कि ओह न्यू चंद्र नगर गली नंबर 3 दे विच रहिंदे हन अते गली दे विच रौला सुन के जदों घर तों बाहर आए तां उन्होंने देखा कि उन्हां दी कार जिहड़ी कि ए स्टार है उसनूं अग लगी हुई सी। बख्शी ने दस्सिया कि उन्होंने अग ते काबू पाया, जिस तों बाद आस पास दे लोकां तों अग लगण दा कारण पुछया पर कुछ ना पता लग्या। जदों उन्होंने घर दे विच लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किए तो पता लग्या कि दो अणपछाते नौजवान बाइक ते सवार हो के आए सन। पहला तो उन्होंने कुछ ही दूरी पर अपनी बाइक रोकी, कच की बोतल नूं अग लगा के उन्होंने घर के वल पेट्रोल बंब बना के सुट दिता। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं जी बख्शी सिंह भारत नैशनल प्रेजिडेंट जी, कल रात की गल है, टाइम होना रात को पहुँचा टाइम है 9:45 दिन का टाइम होना। मैं कल तो मैं अपना कमरे में रोटी खा रहा सीगा, तो मैंने थोड़ा आवाज़ आई लोगों की भी ताड़ी गड्डी अग लगी है जी, अग देखो। मैं तो दिल उतरिया वा तो कहते जी तारा अग लगी है जी, तो करके लग्या जी। मैं अपने थोड़ा अग भी आने लग गया, चलो देखो भी अग लगी हुई है। अग भी आने बाद मैं जो मैं अद्धे बार देखा भी देखा जो कैमरे देखा सी भी होया की है। जो अपने कैमरे चेक किए तो पता लगा कि दो लड़के जिहड़े हेलमेट पाया मोटरसाइकिल से इधरों आते गए, तो इतों इतने खड़ के उन्होंने खड़ के बोतल जो मेरे इधर मेरे घर में मारिया, मेरे एक्चुअली मारिया मेरा उन्होंने मेरे बरांडे में लगे तार लड़के इतने अड़िया। उन्होंने मकसद यह अद्धे मेरे सिलेंडर पे मकसद यह भी ये योगेश बख्शी परिवार सारे खत्म करता जाए। तो कारण वह कारण यह है कि मैं 30 जुलाई में गया सी बी दफ्तर गया, पुलिस दफ्तर गया, तो मैंने मैसेज पा रहे थे योगेश बख्शी तेरा पटाका पाना सी, तो नंबर फिर मैसेज पा रहे थे मैंने योगेश बख्शी तेरे घर के बाद पटाका पाना चाहिए तरह। वो कमेंट मैं 30 जुलाई में करती सी बी सर, लेकिन वो कमेंट वो कोई असर नहीं किया मेरा, क्या भी कमेंट मेरी अच्छ चौंकी जो पेंडिंग पी है। देखो जी पंजाब के ऐसा कोई थप्पड़ चुप हमला होया वा, और मेरे भरा 25-4 हमला होया, 25-4 हमला होया था घंटा घर को, दो बंदे हमला किया रिकॉर्डिंग की 389 भी पर्चा पा के छड़ता गया वा, लेकिन वो भी अच्छे बंदे फड़ी गए, कैमरे बंदे भी नज़र आ रहे, बंदे बंदे सामने आ रहे, बंदे नज़र आ रहे। मेरे जो परचे थे अज तो 2 साल पहला सब ने जांच की, उन्होंने ITI के थ्रू पर्चा पाया FI 111/2023 थाने तेज बोतल जो पा रहा वा, तो नशे डर तो हो गए बिल्कुल जी। जे आम पब्लिक होंगी तो आखिर बच्चे सारे बच्चे खेलते गए, कोई नुकसान हो सकता है। मंग अस ये करते हैं जी, जे कोई चाहे कोई भी धर्म का बंदा वै, जे कोई दरखास्त दिता वै धमकी छड़ दी, वह दरखास्त को दराज बंद करने की बजाय इंक्वायरी कितों जांच करो भी क्यों आएगी है। जे जो मैं दरखास्त पाई 30 जुलाई में भी भाई मैंने धमकी दिया तो पटाका पाना, जो जांच की होंगी तो अभी कम शायद ना होता जी। बिल्कुल पंजाब के अंदर खालिस्तान का प्रोमो चल रहा है, दसिया जा रहा सानू कि खालिस्तान के कानून की होणगे, खालिस्तान च हिंदुओं की स्थिति की होगी। ये सानू दर्शाया जा रहा है कि या तो तुम भजो या फिर थोनू इदा ही रहना पेगा, रोज थोड़े तो बंबा नाल हमले होणगे,
रोज थोड़े तक कृपाना बजन गियाँ, रोज थोड़ू टारगेट किया जाऊगा, रोज थोड़िया फैमलिया टारगेट किया जाऊगा, ये सानू दसिया जा रहा है। बिल्कुल बख्शी साहब के परिवार के उत्ते अटैक है, बख्शी साहब से अटैक है, बिल्कुल ए विच कोई शक नहीं है। यह तीन महीने के दूसरा वड्डा हमला पंजाब के लुधियाना शहर के अंदर जिन्हों मानचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है उस शहर के अंदर यह दूजा हमला हो रहा है तीन महीने के अंदर। प्रशासन और सरकार साड़ियाँ की कर रही हैं सानू नहीं पता, सुत्ते पई हैं सरकार, बिल्कुल सुत्ते पई हैं। किथे के टांगड़े रहदे हां जी, प्रशासन ये कह रहा है कि सिक्योरिटी पुख्ता है ना दी ते सिक्योरिटी सिक्योरिटी पुख्ता मेरे वाले दो बंदे हले तक फड़े क्यों नहीं गए फिर किथे ने ओ, किथे है सरकार, है किथे सरकार दा तंत्र जंतर मंतर तंत्र किथे है? सब फेल हो गए जी, फेल बिलकुल 48 घंटे जे सरकार बख्शी साहब ते हमला करने वाले लोगों का कोई सुराग लगा लेंदी है, पकड़ लेंदी है, जो कोई हल कढ़ दिंदी है ठीक है, नहीं तो 48 घंटे बाद समूह पंजाब दे हिंदू संगठन कोर कमेटी कट्ठे होकर संघर्ष की तैयारी करांगे और पूरे पंजाब के अंदर पंजाब के अलग अलग शहरों के अंदर उस संघर्ष का बिगड़ बजावे। ये तो तुम गल नहीं समझे, नहीं हिंदुओं से नहीं मैं गल करता, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, पर जे मैं गल करा अज पगड़ीधारियों भी करना शुरू करता, उन्होंने उन्होंने घर भी बढ़ना शुरू करता। ये सरकार पूरी तरह फेल है, टोटल वेल है, इन्हों के अपने मसले नहीं खत्म होंगे सरकार के, कभी कोई कहता उन्हें मुख्यमंत्री बनना, कोई कहता मुख्यमंत्री फलाने ने बनना। निहंगवाद पूरी तरह हैवी हो चुका है, जिदा तालिबान अफगानिस्तान के अंदर चलता सी, अज पंजाब के अंदर निहंगवाद चल रहा। मैं कहूँगा जिहड़ियां निहंग जत्थेबंदियां जिहड़ियां सही रखदे बंदियां उन्होंने चाहिए अगे आ के इन्हों का पर्दाफाश करन। सानू पता है जिहड़ियां निहंग जत्थेबंदियां वो इदां दे काम सही रख, निहंग जत्थेबंदियां वो नहीं करदियां होणगियां काम, पर जिहड़े उन्हां दे भेस दे विच तुरे फिरदे ने भेड़िए उन्हों का पर्दाफाश यही जत्थेबंदियां कर सकती है। देखो साड़ी संघर्ष कमेटी करूगी ऐलान, जो भी करूगी बैठ के फैसला करांगे, पहले असीं 48 घंटे का टाइम प्रशासन को दिता है, उस तो साड़ी कोर कमेटी पंजाब के समूह हिंदू संगठन बैठ के असीं इहदा कोई फैसला लवांगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा सब पर बना रहे, बांके बिहारी कृपा सदा सब पर बनी रहे। पहला हमला नहीं है, तो पहला भी देखा कि थापर साहब स्टार्टिंग तुम मेरे तो ही कह लो 2016 के टारगेट किलिंग हुई सी, उस तो बाद देखो किन्ने हिंदुओं हमला टारगेट किया गया, जो महीना डेढ़ नहीं होया कि जो थापर साहब से हमला होया सी, अजे वो बंदे ट्रेस नहीं हुए पूरे, और अज शरेआम पंजाब दे विच तालिबान वांगू देखो किदा खड़ा आ गए, आराम नाल मोटरसाइकिल उतरते पेट्रोल बंब बना मारिया जाता कि इन्हों का घर ही उड़ा दिता जाए, घर ही उड़ा दिता जाए कि बख्शी का परिवार बचे ही ना, कि शिवसेना वाले पंजाब च रहन ही ना, हिंदू पंजाब च रवे ही ना, हिंदुआं नू टारगेट कि हिंदू पंजाब च रह क्यों रहे हैं, शिवसेना वाले पंजाब च लुधियाने च रह क्यों रहे हैं, इन्हां नू वो चीज़ हुण चुभन लग गई कि हर शिव सैनिक का घर टारगेट बनाना शुरू करता, इन्होंने शिवसेना के बंदियां नू टारगेट शुरू करना शुरू करता। सरकार शांत क्यों, सरकार चुप क्यों, बड़ा वड्डा सवाल है। पंजाब के लुधियाना के विच मंत्री रहिंदा होवे, MLA रहिंदे होण, अजे तक कोई संज्ञान लैन नहीं आया, पूछे नहीं आया कि बख्शी साहब ठीक हो जां कुछ है, जे अज कोई होर समझाए धमकियां तो समझो शिव सैनिकां नू चलदी ही रहनी है, आंदे ही रहनी है। असीं ये चीज़ां नू इग्नोर करना शुरू करता कि छड्डो जिहड़े भोंकदे रहन, असीं परवाह नहीं करदे, अजे तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा कोई पता करन नहीं आया, इन्ने 4-5 MLA साहबान हुण मंत्री साहबान हुण कोई पता करन नहीं आए, क्योंकि हिंदू है इसलिए नहीं पता करन आए। 45-50% हिंदुओं की वोट होवे और हजे तक हिंदुओं नाल हमेशा की है वितकरा, फिर आप सरकारां नूं कहने हूँ तो जे हूँ तो हिंदू जागेगा, फिर भी 48 घंटे का टाइम देने सरकार नूं, फिर प्रशासन नूं कि एक केस ट्रेस कर दो, थापर साहब का केस तो हजे ट्रेस होया नहीं, फिर असं कहने कि एक केस ट्रेस कर दो, जाके बंदे लभ जाण, बंदे पता लग जाण कौन ने, तह तक जाओ, सानू पता सानू साडा हक कित्थे लैणा पैणा, दरियां ते बैठ के धरने ला के सानू साडा हक वो मिलना। पुलिस की कहती, पुलिस मौके ते आई अजे तक कोई भी नहीं आई, ट्रेस कर रहे हैं, कैमरे खोल रहे हैं कि ट्रेस कर देंगे, फिर भी असं कहता कि असं 48 घंटे का टाइम दें जी, 48 घंटे नहीं होगा, 48 घंटे फिर उस तो बाद पूरी पंजाब के हिंदू संगठन लुधियाने इकट्ठे करांगे, हिंदू कोर कमेटी, हिंदू जागो कमेटी, जिन्हें भी संगठन ने सारे एक मंच से इकट्ठे करके अलग अलग जिले शहर भी बंद करावांगे और पंजाब बंद की कॉल भी देवांगे। की लगता नहीं हिंदू सेफ नहीं है, मैं की कहना जी, तुहानू की लग रहा पंजाब के विच तालिबान वर्गा हाल होया पिया वा,
सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया कि पेट्रोल बंब घर मारने शुरू करते। जे इत्थे कोई जानी नुकसान होएगा चलो परमात्मा का आशीर्वाद से बिहारी की कृपा से बच गए। मैंने बख्शी साहब दस्या कि सारा दिन बंदे मोटरसाइकिल से हैलमेट पाए गेड़े कट रहे सी मल्ला कहिंदा मतलब जान के उन्होंने टारगेट जो हूँ रात 9 बजे तक नहीं निकले होने नौ सानू देखा कि चलो उन्होंने घर से हमला कर दो घर ही उड़ा दो मतलब की है पेट्रोल बंब ना समझोगे कि कितना जानी माली नुकसान हो सकता सी। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗਲ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਬ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਨਫਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂ ਥੱਲਾ ਬਾਤ ਕੀ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਵੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਡਾ ਵੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਟ ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਨ 91-92 ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੱਟਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜਰੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਗੀ ਹਰਕਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।